बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12 इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स चैप्टर 5.7 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। Significance of the hypothesis, something like the test of significance approach। T state का हमने कुछ discuss किया। अब critical region क्या होता है? Critical region, the rejection region को critical area भी कहा जाता है। अब जो critical रीजन है वो क्या, बाय द ग्राफिकली वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम किस चीज़ को 0.05 के साथ डिस्कस करते हैं, 95% एक्सेप्शन एरिया एंड 5% रिजेक्शन एरिया। इन 5% 2.5% ऑन द लेफ्ट साइड एंड 2.5 ऑन द राइट साइड एंड 95% in the middle, which is the exception area and the side or rejection area। अब इसका जो डायग्राम है ये बाय दिस हम एक यही है, एक है इंटरवल बेस। इंटरवल बेस भी यही डिस्कस करता है कि 95% एक्सेप्शन एरिया और टी स्टेट को जो कैलकुलेट करते हैं इंटरवल बेस पे या वैल्यू बेस पे, तो वो भी यही चीज़ हमें बताता है। अब ग्राफिकली हैं बुक में, इन्होंने ग्राफ बनाए हुए हैं। ग्राफ दिस क्या के जो टी स्टेट है अब ये एरिया क्या, ये 2.5% क्रिटिकल एरिया मीन रिजेक्शन रीजन, और ये क्या, ये इंटरवल के लिए। फॉर एग्जांपल जो इंटरवल आपने कैलकुलेट किया हुआ है, आपने जो कैलकुलेट किया हुआ है कि जो ट्रू बीटा है वो लाइज इसी में करेगा। फॉर एग्जांपल बुक में किया हुआ है 3.460 अप टू 0.654 एंड दिस इज़ द 0.5। ये क्या, ये 95% एरिया है, ये 2.5 दिस इज़ टोटल 100। अब 100 जो एरिया है इसमें एक्सेप्टेड एरिया 95 है, जिसमें चांस है कि जो बीटा है, बीटा ट्रू बीटा टू, अगर बीटा टू के लिए मैं डिस्कस करता हूँ, यस बुक ने बीटा टू के लिए डिस्कस किया हुआ है। और ये अब अगर ट्रू बीटा लाइज करता है इन दिस एरिया, देन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। और अगर ट्रू बीटा इन दिस एरिया, अगर इस एरिया में या इस एरिया में, सॉरी ट्रू बीटा नॉट एक्सपेक्टेड लाइज इस एरिया में करता है या इस एरिया में, देन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सिर्फ ये सीखना है, बुक इसका असल मकसद यही है इस पूरे टॉपिक का। आफ्टर दिस ये तो इंटरवल बेस था, हमारे पास जो सेकंड वो है ठीक ही, जो वैल्यू कैलकुलेट करें उसके बेस पे क्या एक्सेप्शन एरिया क्या है, रिजेक्शन एरिया क्या है। ये 95% एक्सेप्टेड एरिया है रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, और ये क्या रिजेक्शन एरिया क्रिटिकल एरिया, जो हम नहीं चाहते कि इस एरिया में आ जाए, क्रिटिकल एरिया। ये क्रिटिकल एरिया है और बोथ साइड पे क्रिटिकल रीजन है। अब क्रिटिकल रीजन ये दो 2.5% है और 2.5% है। अब क्या वो इंटरवल किस चीज़ के दरमियान था, 2.201 है। हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू करते हैं, जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये अब क्या उसी
क्वेश्चन को करते हैं जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था इन प्रीवियस टॉपिक, उसी में जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 आ रहा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 11 और n माइनस 2 वेयर n ऑब्जर्वेशन 13 माइनस 2 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था। उसमें माइनस 2.201 इज द माइनस एंड प्लस 2.2, ये क्या हमारे पास वैल्यू आती थी। अब अगर इस एरिया में लाइज करता है देन एक्सेप्ट द क्या एच नॉट एंड रिजेक्ट द अल्टरनेटिव। अब अगर टी की वैल्यू ये आई देन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और ये क्या, ये टू टेल डिस्कशन है, ये भी टू टेल है। वन टेल जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो ये है कि आइदर बीटा टू ग्रेटर देन बीटा स्टेरिक, बीटा टू लेस देन बीटा स्टेरिक। तो ये क्या, ये वैल्यूज कैलकुलेट करना, फिर हम इसी बेस पे डिसीजन बनाते हैं, आइदर एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्या हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सेकंड में एक उसका करता हूँ कि 5% क्रिटिकल एरिया है, एक्सेप्टेंट एरिया 95% है। तो अगर टी की वैल्यू हेयर पुट होती है फॉर एग्जांपल 3.2 देन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इन बेस पे हम डिसाइड करते हैं किस चीज़ को, किसी भी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। अब ये क्या, ये तो हम पैरामीटर के लिए करते हैं बीटा वन बीटा टू। अब सिग्मा के लिए जो करना है वो क्या करते हैं, वो फिर इसके बाद है। लेकिन अब टेबल है, इसी हाइपोथेसिस के लिए टेबल है, टेबल टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। ये क्या, ये टेबल है टू टेल राइट टेल लेफ्ट टेल। अब क्या राइट टेल टू टेल क्या है, बीटा इज इक्वल टू बीटा स्टेरिक और बीटा, ये क्या नल हाइपोथेसिस, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और बीटा टू स्टेरिक इज नॉट इज इक्वल टू बीटा टू स्टेरिक। इसका क्या राइट का कि बीटा लेस देन बीटा स्टेरिक टू, और इसका जो राइट वे है ग्रेटर देन टू बीटा टू स्टेरिक। इसी तरह लेफ्ट का क्या है कि ये अपोजिट होगा बीटा टू स्टेरिक ग्रेटर देन बीटा टू, और इसी में क्या होगा लेफ्ट साइड बीटा टू लेस देन बीटा टू स्टेरिक। अब इसी के बेस पे क्या हम फिर डिसीजन बनाते हैं, डिसीजन रूल बनाते हैं। डिसीजन रूल इज द लास्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल। उसी बेस पे हम फिर डिसाइड करते हैं, आइदर हम रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर क्या हो, टी की वैल्यू हमारे पास क्या हो, इधर फॉर एग्जांपल बीटा टू इज़ नॉट इज इक्वल टू बीटा टू स्टेरिक, देन हम रिजेक्ट करते हैं किस चीज़ को, नल हाइपोथेसिस को। इसी तरह सेकंड में क्या, टी की वैल्यू ग्रेटर देन किस चीज़ से हो, ये सिचुएशन, ये तीनों सिचुएशन अगर क्रिएट होते हैं देन हम डिसाइड करते हैं वेदर वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये कमिंग जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्लियर देयर। इसके बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा, और सिग्मा के लिए जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं वो क्या है, वो काई स्क्वेयर टेस्ट है कि सिग्मा सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और इसका फार्मूला क्या है,
chi square is equal to n minus 2 into expected sigma square and sigma. तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं. हाइपोथेसिस वही हाइपोथेसिस हैं, आइदर ये बराबर हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. इसका भी टेबल 5.2 है, उसमें क्या नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, क्रिटिकल रिजेक्शन एरिया है. तो ये तीनों के तीनों रिजेक्शन एरिया, क्रिटिकल एरिया, रिजेक्शन एरिया, रीजन. अब अगर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर सॉरी सेकंड ये किसके साथ आएगा, सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर. द अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस क्या है, ये है अल्टरनेटिव, इसका उल्टा क्या है. इसी तरह द सेकंड वन सेम, लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या है, लेस देन नॉट. और इसका जो लास्ट वन क्या है, यही है नल हाइपोथेसिस, सारे सेम है, अल्टरनेटिव क्या है वो डिफरेंट शो कर रहे हैं. ये क्या, ये टू टेल है, ये लेफ्ट टेल है, ये राइट टेल है इसी के लिए. अब रिजेक्शन किस बेस पे, अगर इक्वल हो देन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, देन इफ ग्रेटर देन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव. इसी तरह जब इक्वल होगा देन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. और ये क्या, इसको जो जी है इस सॉरी काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इसको कहा जाता है. किस चीज़ को हम चेक करते हैं, इसके थ्रू हम सिग्मा स्क्वायर चेक करते हैं कि सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है नहीं है. ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ईच एंड एवरी टॉपिक डिस्कस होगा बाय, अगर हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे देन आपको ये सब कुछ एग्जैक्ट क्लियर होगा कि हमारा ये मेन पॉइंट क्या था, जो इतना पढ़ रहे हैं ये क्या किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं.